أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم। السلام عليكم دوستو، मैं हूँ मोहसिन दफा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, हमारी इंग्लिश कम्प्रीहेंशन की क्लास चल रही है और आज उस सीरीज का हमारा 10वां लेक्चर है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह मेरी सीरीज से फ़ायदा उठा रहे होंगे और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आप उनको भी सीख रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्या चीज़ें पढ़ी थी। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी वर्ड फॉर्मेशन के हवाले से और उसमें हमने सफिक्स को विद इन डिटेल देखा था। उसके साथ ही हम लोगों ने डेरिवेशनल सफिक्स को देखा था और इनफ्लेक्शनल सफिक्स को देखा था, जो सफिक्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। उसके साथ ही मैंने आप लोगों को सफिक्स की इन जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं या इनके अंदर कुछ सब टाइप्स भी थी, उनसे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स भी करके दिखाई थी और आखिर में आप लोगों को एक एक्सरसाइज दी थी जिसमें आपने विद द हेल्प ऑफ सफिक्स कुछ सेंटेंसेस कंप्लीट करने थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोस्तों ने वो कर लिया होंगे। दोस्तों, अगर आप साथ साथ ये एक्सरसाइज करते जाएंगे, जो मैं हर लेक्चर के इख्तिताम पे आप लोगों को देता हूं, तो आप इंशाल्लाह यकीनन इंग्लिश कम्प्रीहेंशन सीख जाएंगे। दोस्तों, ये तो थी हमारी पिछली क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसको हम साइनोनिम्स कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि उस साइनोनिम्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसमें हम फर्स्ट करेक्टरिस्टिक को देखेंगे, उसमें हम साइनोनिम्स की सेकंड करेक्टरिस्टिक को देखेंगे, उसके बाद हम अनाटोम्स की बात करेंगे, अनाटोम्स जो है उसको देखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास का टॉपिक होगा। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको साइनोनिम्स की डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है। साइनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव सेम और नियरली द सेम मीनिंग। इससे मुराद आपके ऐसे अल्फाज हैं जो एक जैसे मीनिंग रखते हैं या उनसे मिलते जुलते मीनिंग रखते हैं या उनके करीब तरीन जो मीनिंग बनते हैं वो रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक वर्ड यूज करते हैं बिग। अब बिग का मतलब जो है वो बड़ा है। उसकी जगह पे हम लार्ज भी यूज कर सकते हैं। लार्ज भी हम बड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी जगह पे हम ह्यूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं बिग के साइनोनिम्स हैं। तो दोस्तों, साइनोनिम्स हैव टू करेक्टरिस्टिक्स दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू यूज देम अप्रोप्रिएटली। इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जब भी हम साइनोनिम्स को यूज करेंगे तो इन दोनों करेक्टरिस्टिक का जब हमें पता होगा तो हम ठीक अल्फाज जो है ठीक जगहों पर इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें जो है फर्स्ट करेक्टरिस्टिक जो है साइनोनिम्स की वो क्या है? मोस्ट साइनोनिम्स हैव सिमिलर मीनिंग इन ओनली वन ऑफ देयर सेंस। कि इन ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी अगर सेंस को देखा जाए तो वो उनके मिलते जुलते मीनिंग देते हैं। अब उसमें एग्जांपल आपको लिखी हुई नजर आ रही है, ही मेड एन अप्रोप्रिएट रिमार्क। अब देखें, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है अप्रोप्रिएट। तो अब दूसरा सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें, ही मेड एन एप्ट रिमार्क्स, तो APT एप्ट भी जो है वो अप्रोप्रिएट की जगह पे वर्ड एक यूज किया जाता है। इसके भी जो मीनिंग है वो अप्रोप्रिएट के ही हैं। इसके बाद देखें, अगर हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं, ही मेड एन अक्सेप्टेबल रिमार्क्स, तो ये भी अप्रोप्रिएट की जगह पे एक वर्ड यूज किया जा सकता है। तो आप देखें कि जो हमारी साइनोनिम्स की फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है उसका मतलब ये है कि आप जो भी वर्ड यूज करेंगे किसी भी वर्ड की जगह पर तो उसके जो मीनिंग होंगे वो उस लव के साथ मिलते जुलते होंगे, सिमिलर होंगे। इसके बाद बारी आती है आपकी सेकेंड करेक्टरिस्टिक की। अब सेकेंड करेक्टरिस्टिक में क्या है? साइनोनिम्स ऑफन हैड शेड ऑफ मीनिंग इन एडिशन टू द मीनिंग दे शेयर। अब इससे क्या होता है कि सिर्फ उनका शेड जो है वो पड़ता है। उनके सिमिलर मीनिंग तो होते ही हैं लेकिन वो शेयर मीनिंग होते हैं या उनका शेड मतलब उसके ऊपर
पढ़ते हैं उन अल्फाज का। अब इसमें एग्जांपल जो है अब आपको नजर आ रही है, ही हैव ब्लेम टू अदर ऑन हिज मिस्टेक्स, कि वो अपनी गलतियों के बारे में दूसरों को ब्लेम करता है। अब यहां पे देखें, ही हैव लाइबल टू अदर ऑन हिज मिस्टेक। अब ऊपर वाली एग्जाम्पल में देखें जहां पे हमने सिमिलर मीनिंग पढ़े, वहां अप्रोप्रिएट की जगह पे एपीटी वर्ड हमने एक यूज किया जो उससे मिलता जुलता है, तकरीबन उसके स्पेल भी उसके साथ मैच करते हैं। जो स्पेल जो है नीचे वाले में है वही ऊपर वाले में, अगर हम एक्सेप्टेबल को देखते हैं तो ऑलमोस्ट वो स्पेल आपस में मैच करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लेम एक और वर्ड है, और दूसरा सेंटेंस अगर हम देखते हैं, ही हैव लाइबल टू अदर ऑन हिज मिस्टेक्स, के वो दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है अपनी गलतियों का। तो अब देखें, लाइबल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ब्लेम, के वो ब्लेम के साथ मैच नहीं करता, लेकिन मीनिंग जो है वो उनके सेम है। अब लाइबल जो है वो उसका एक अक्स जो है वो ब्लेम की तरह उभरता है। ही हैव कल्पेबिलिटी, कल्पेबिलिटी, तो ये भी ब्लेम के मायनों में आता है, टू अदर ऑन हिज मिस्टेक्स। तो दोस्तों ये कुछ अल्फाज हैं जिनमें आपके मीनिंग तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उन अल्फाज का सिर्फ और सिर्फ शेड पड़ता है या शेयर मीनिंग देते हैं, कि दूसरों को ब्लेम देना, अब इससे भी शेयर मीनिंग क्रिएट होते हैं। तो ये दोस्तों सेकेंड करेक्टरिस्टिक है साइनोनियम्स की। अब दोस्तों आती है हमारे पास आज के दूसरी जो है टॉपिक की, वो है अनाटोनम्स जो हैं वो क्या हैं। अनाटोनम्स आर वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड। अनाटोनम्स जो हैं वो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो आपको अपोजिट, उसका उलट मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल, बिग हमने पिछली एग्जांपल के अंदर देखा था, तो बिग की जगह पे जो है वो स्मॉल यूज किया जाता है, कि बिग का मतलब बड़ा है। अब उसका अपोजिट देखा जाए तो वो छोटा आएगा। इसी तरह ओल्डर की बजाय जो है वो यंगर यूज किया जाता है। दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू यूज देम अप्रोप्रिएटली, तो हमें जो है इनके मीनिंग को समझना पड़ेगा अगर हम कहीं अनाटोनम्स का जो है यूज करते हैं। दोस्तों अब इस अनाटोनम्स की भी जो है हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने साइनोनियम्स की देखी थी। इसमें देखें, आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्मॉल, अब स्मॉल की जगह पे जो है हम लोग बिग यूज करते हैं। अब स्मॉल का जो मतलब है वो छोटा है, बिग का मतलब जो है वो बड़ा है। इसी तरह दूसरा जो वर्ड है आपको गर्ल, तो उसकी जगह पे हम बॉय यूज करते हैं, उसका उलट। इसी तरह आपको तीसरी एग्जांपल नजर आ रही है सिट की, मतलब बैठने के हवाले से, और स्टैंड जो है वो खड़े होने को कहते हैं। इसी तरह अगली जो एग्जांपल है वो फॉरवर्ड की है, कि आगे की तरफ जाना, और बैकवर्ड जो है वो पीछे की तरफ आना। इसके बाद आखिरी जो एग्जांपल है वो प्रॉफिट, और उसके अपोजिट जो मीनिंग देता है लव, वो लॉस, मतलब नुकसान। तो अब दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी अनाटोनम्स के तौर पे यूज होती हैं। तो इसी तरह के अल्फाज जो आपको अपोजिट मीनिंग दें वो आपके अनाटोनम्स के अंदर आएंगे, जो आपको सिमिलर मीनिंग देंगे वो आपके साइनोनियम्स के अंदर आएंगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास खत्म करने से पहले बारी आती है जी एक्सरसाइज की। अब एक्सरसाइज में दोस्तों आप लोगों को यहाँ स्क्रीन के ऊपर एक पैराग्राफ नजर आ रहा है, दैट इज रिलेटेड टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स के हवाले से एक पैराग्राफ है। अब मेन फ्रेम इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट कैन फिट ऑन टॉप ऑफ डेस्कटॉप, तो ये मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है उनके हवाले से हमें पैराग्राफ दिया गया है। ये मैं पहले आपको पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या करना है इस एक्सरसाइज में। मेन फ्रेम आर वेरी पावरफुल एंड कैन एग्जीक्यूट जॉब्स वेरी रैपिडली एंड इजीली। डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड मोर देन एनालॉग कंप्यूटर। द एनालॉग कंप्यूटर इज फॉर स्मॉलर देन अ डिजिटल कंप्यूटर एंड देयरफॉर ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस। ही हाइब्रिड कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। द एनालॉग कंप्यूटर डज इट्स कैलकुलेशन वन स्टेप एट अ टाइम। द डिजिटल कंप्यूटर कंटिन्यूअसली वर्क आउट कैलकुलेशन। मेन फ्रेम आर ह्यूज पावरफुल मशीन हूज पैरेलल इक्विपमेंट टू टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस। मेन फ्रेम आर एक्सपेंसिव टू बाय एंड ऑपरेट। मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी हैव रीच्ड द एंड
ऑफ द रोड, नो फर्दर डेवलपमेंट इज नीडिड। तो दोस्तों ये हमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में बताया गया है और उसके साथ ही हमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का डिफरेंस भी समझाने की कोशिश की गई है। अब इस एक्सरसाइज का हमने करना क्या है दोस्तों, इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने राइट द अप्रोप्रिएट साइनोनियम्स एंड एनाटोनम्स वो लिखते हैं, वो कुछ अल्फाज जो हैं इस पैराग्राफ से मैंने निकाल के, अब यहाँ पे देखें साइनोनियम्स के नीचे साइनोनियम्स मैंने लिख दिए हैं, आपने इन अल्फाज के साइनोनियम्स लिखने हैं और दूसरी साइड पे मैंने एटोनम्स लिख दी हैं तो आपने उनके एनाटोनम्स जो है वो लिखने हैं। अब साइनोनियम्स में जो है पहला जो लफ्ज है एग्जीक्यूट, अब आपने ये देखना है कि एग्जीक्यूट की जगह पे हम कौन सा वर्ड सिमिलर यूज कर सकते हैं। इसके बाद रैपिडली है, रैपिडली में भी आपने ऐसे देखना है कि कौन सा सिमिलर वर्ड यूज किया जा सकता है, हाइब्रिड है, फर्दर है और वेरी है। तो ये पांच अल्फाज हैं जिनके आपने साइनोनियम्स लिखने हैं। इसके बाद एनाटोनम्स लिखने हैं, उसमें भी आपको पांच अल्फाज दिए गए हैं। एक पहला जो दिया गया है वो टॉप है, आपने इसका अपोजिट वर्ड लिखना है। फिर फिट है, आपने इसका अपोजिट वर्ड लिखना है। फिर एक्सपेंसिव है, आपने इसका अपोजिट वर्ड लिखना है। और फिर आपका इजीली है, आपने इसका अपोजिट वर्ड लिखना है। और आखिर में आपको प्रॉफिट दिया गया है, इसका आपने अपोजिट वर्ड लिखना है। और ये जो सारे वर्ड हैं ये हमने जो पीछे एक कंप्यूटर से रिलेटेड पैराग्राफ पढ़ा है उससे मैंने ड्रा किए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास खत्म करने से पहले हम जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में साइनोनियम्स के ऊपर बात की। फिर हमने साइनोनियम्स की दो करेक्टरिस्टिक हैं, एक फर्स्ट करेक्टरिस्टिक दैट गिव यू अ सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड द सेकेंड करेक्टरिस्टिक दैट विल प्रोवाइड यू द शेड और मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, ये हमने देखी। उसके बाद आखिर में एनाटोनम्स को देखा, हमने साइनोनियम्स और एनाटोनम्स की जो है कुछ एग्जांपल्स देखी और आखिर में मैंने आपको उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी दी। दोस्तों ये थी हमारी आज की इंग्लिश कंप्रीहेंशन की क्लास। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका ये सब्जेक्ट है, और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक दीजिए। और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो या लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली इंग्लिश कंप्रीहेंशन की क्लास में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।